अस्सलाम वालेकुम। के ट्रेड की तरफ से मॉर्निंग आउटलुक के साथ मैं हूँ शाम। आज की कुछ न्यूज़ को अगर हम डिस्कस कर लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल टी बिल्ड ऑक्शन रिजल्ट्स आए थे जो डिक्रीज हुए हैं बाय 21.7% और 217 बीपीएस पॉइंट्स। ये स्लाइटली एक नेगेटिव डिपार्चर है, जो एक स्लाइट ट्रेंड चलता रहा था। हम पहले देखते रहे थे ऑक्शन के अंदर अच्छी यील्ड्स आ रही थी, तो इस बार ये स्लाइट एक नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकता है। उसके अलावा स्टेट बैंक ने 5 फॉरेन डिजिटल बैंक्स को अप्रूवल दी है टू ऑपरेट, और इसकी वजह से हम बैंकिंग चैनल्स के अंदर एक इंक्रीज देख सकते हैं। लास्टली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के नंबर्स आए थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमने 18% ज़्यादा पावर जनरेशन की है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द पावर सेक्टर। मार्केट को अगर डिस्कस किया जाए तो मार्केट इस पूरे हफ्ते मोर और लेस रेंज बाउंड एक्टिविटी ही शो कर रही थी, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं है मार्केट में। लेकिन होपफुली जैसे जैसे बिल्डअप आ रही है और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी कर्टेल हो रही है, तो हमें लग रहा है कि थोड़े से वॉल्यूम्स इंक्रीज हो सकते हैं। स्टिल इन्वेस्टर्स को ये रेकमेंड किया जाता है कि कॉशियस पोजीशंस लें। मार्केट जो है वो स्टिल थोड़ी लो वॉल्यूम्स के एंड पे ही रहेगी, और एक बाइंग ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन है। उसके अलावा जो है एवरेजिंग की तरफ ही जाया जा सकता है। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।